तो क्या वो सारे लोग जेलस हैं? ओ रियली, वो जेलस ही होंगे, जब भी तो उनको जाकर सीख दे रहे हैं और इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। हो, आप समझ में आया, सारे लोग जेलस हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा है लास्ट इफ्तार यहाँ पे और हम जा रहे हैं ससुराल और फनी के घर। यही बात कहने की देर थी कि लोगों ने भर भर के जो कमेंट्स किए हैं ना इनको, बाई गॉड। अब हाँ, मैं बाकी लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि जिन लोगों ने ये इस तरह के कमेंट किए हैं और बहुत सारी क्वान्टिटी में कमेंट किए हैं, इतना रोने धोने का नाटक क्यों किया जब 10 दिन में ही वापस आना था, और लोगों ने क्या क्या कहा। चलिए, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे, तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई, डब्बा मैडम आ गई हैं अपना व्लॉग लेकर, और वो अपना व्लॉग लेकर आ गई हैं और साथ साथ ट्रोलिंग भी लेकर आ गई हैं, क्योंकि जैसे ही वो व्लॉग मैंने देखा उसमें इतने भर भर के 2 टाइप के कमेंट्स ज़्यादा थे। एक तो ये जो इन्होंने नौटंकी की ना, रोने धोने की बिना वजह की भी, एक उसके ऊपर, और दूसरा जो खाला को लेकर ये साथ जा रही हैं उसको लेकर। जैसे कि हम अपने कल के पॉडकास्ट में बता ही चुके थे कि ये डॉटर खाला को और अम्मा को साथ लेकर गई, क्योंकि स्टोरी लगा रखी थी मैडम ने, और ये था, मुझे डेफिनेटली ये पक्का था कि ये लेकर जाएगी जाएगी, क्योंकि ये और वहाँ पर 10-12 दिन टिके और बिना डॉटर खाला के और बिना अम्मा के टिके, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 ही घर हैं इसके अपने ससुराल वाले घर से बाहर निकलने के बहाने के। क्यों? उसी बहाने से तो ये जिम्मेदारियों से बचकर, देखिए आदमी क्या करेगा, इंसान क्या करेगा, बोर हो जाएगा, वो कितना ही शूट कर लेगा घर की ईंट दीवारों को, कितना ही शूट कर लेगा रुखसाना बाजी को, कितना ही शूट कर लेगा शहर और उस बच्ची को। फिर अब तो रमज़ान चल रहे हैं तो स्टेशन पे चाय पीने भी नहीं जा सकते। हाँ, रात को बाहर निकलना हो सकता है, शायद अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो सकता है चाय पीने भी एक बार चल जाए, पर इनके पास और क्या कंटेंट वहाँ पे बच जाता है। फिर वो रह जाता है डॉटर खाला का घर जाना और अम्मा के घर जाना। अम्मा ने आज हमारी दावत करी है, अम्मा ने आज हमारे लिए ये बनाया है, बनाते बनाते तो वो कुछ दिखाते नहीं है, अम्मा बाहर से मंगा कर खिला देती है, क्योंकि वो लग रहा था बाहर का खाना है। लेकिन एनीवे, इनको तो कंटेंट मिल जाता है ना कि बाहर चलें, प्लस पुप्पी के घर जाने के लिए मिल जाता है। हालांकि पुप्पी तो अभी भी वहीं पर ही हैं, तो पुप्पी के घर तो ये जा सकती है, पुप्पी को बुला सकती हैं, बट खाला को क्यों अननेसेसरी इन्होंने इतना परेशान किया वहाँ से लाना ले जाना। अब देखिए भाई, लोगों के सवाल थे और डेफिनेटली उनके सवाल भी बिल्कुल सही थे, तो क्यों नहीं जवाब दे देती हैं ये? जब इनकी तारीफ वाले कमेंट आ जाते हैं तो उसको हार्ट और लाइक दे देती हैं, लेकिन जब जेन्युइन तरीके से जो सवाल पूछा जाता है ना, उसका ये जवाब नहीं देती हैं। तो एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों ने पूछा है कि क्यों लेकर गई आखिरकार उनको, उनके शौहर घर पर नहीं है, उनके बच्चे वहाँ पर नहीं है, तो वो अकेली क्या ईद मनाएगी? तुम तो अपने ससुराल वालों के साथ ईद मनाओगे, तो वो खाला अकेले घर में क्या ईद मनाएगी? एक बात ये तो हो गई, एक बात तो वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था, तो मैं उससे अग्री करती हूँ कि मे बी उनके ससुर के बाद इनकी घर की पहली ईद हो, तो उनका जाना शायद ज़रूरी हो। लेकिन उनका जाना शायद ज़रूरी है तो अम्मा को क्यों लेकर गई? उनको इस उम्र में, बुजुर्गी में क्यों ट्रैवलिंग कराई भाई उन्होंने? वो सब अपना कंटेंट बनाने के लिए यहाँ से वहाँ उनको लेकर जाती है, उनका खर्चा उठाती है, ट्रेन के सफ़र कराती हैं, और भाई उन लोगों को भी कुछ फ़ायदे ही होते हैं, इसलिए वो भी यहाँ से वहाँ पर करते रहते हैं। भाई देखिए, अम्मा का तो ये फ़ायदा है कि वो उनको वहाँ पर सब कुछ ऐशो आराम मिलता है, अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है, फिर अपनी बेटी के घर में रहने के लिए मिलता है, अपने आप यहाँ पर करके खाना पड़ता है। देख रहे थे ना, बाकी अपने पोती पोताओं को, अपने बच्चों को, जो अपने बच्चों के बच्चे ना, उनसे उनकी कैसी बॉन्डिंग है वो आपने देख ही लिया था, शहर के साथ किस तरह से कप को छीन रही थी। मतलब ठीक है, ये सारे काम वहाँ तो नहीं करती हैं आप, लेकिन यहाँ ही क्यों करती हैं, इन बच्चों के साथ ही क्यों करते हैं? इतना भेदभाव अम्मा करती हैं, तभी तो भेदभाव किया तो अपने सगे बेटे की बेटी की शादी में नहीं गई, क्योंकि मना कर दिया था किसने? बेटी के बेटे ने। आई होप आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जनाब की तरफ से ये मना किया गया था क्योंकि उनके घर में शादी में कोई भी नहीं गया था। आपने भी देखा होगा जो आमिर जहांगीर ने जब वीडियो डाली थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे माँ जो अंकल की बेटी की शादी है और मुझे पहले से पता था कि शादी में नहीं आएंगे, तो हमारी दादी को भी नहीं आने दिया। शालू अपी वहीं भरतपुर में ही थी, वो भी नहीं आई। वो वहाँ पर शादी निपटने के बाद भी 2 से 3 दिन अपने मीटअप सब करती रही, लेकिन वो अपने मामू, सगे मामू की बेटी की शादी में नहीं गई। तो इस बात से समझ में आ ही जाता है कि वो कितना तवज्जो देती हैं, और उस तवज्जो की वजह से ही वो वहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता है। अब आ जाते हैं बेटी खाला की तरफ। तो डॉटर खाला को ये फ़ायदा है कि भाई उनके बच्चे वहाँ पर रहते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिल जाता है। वो अलग बात है कि वो पूरा भरपूर उनका फ़ायदा उठाते हैं, पूरा काम कराना या जो भी है, हर टाइम घुटनों की तकलीफ होने के बावजूद भी पूरा पूरा दिन किचन में खड़े रहना, और मुझे नहीं लगता कि कोई शायद बर्तन धोने के लिए किसी के लिए भी आती, क्योंकि इतनी बार वो शूट करती हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि
ये लोग किचन में काम करें और कोई भी जो भी बर्तन धोने वाली है या कोई भी काम करने वाली है वो एक बार भी ना दिखाई दे, नहीं होगी, क्योंकि सम टाइम लगा लेते हैं, सम टाइम हटा लेते हैं। जैसे कि आपने चालोपी को भी देखा होगा, उन्होंने कुछ दिन के लिए अपने यहाँ पर हेल्पर लगाई थी, फिर उसके बाद उन्होंने हटा दी। तो ज़रूरत के हिसाब से लगाती हैं और ज़रूरत के हिसाब से हटा देती हैं। और मुझे नहीं लगता जब जब डॉटर खाला वहाँ पर रहती हैं तब तब वो काम वाली को रखती होंगी। देखिए मैडम वहाँ पर रखती हैं तो मैडम के वो किसी ना किसी एंगल से दिख जाता है, क्योंकि जिस टाइम सहरी अफ्तियारी बनाने का टाइम होता है उसी टाइम बर्तन धोने वाली का भी टाइम होता है, ठीक है ना। जब वो बर्तन धोने के लिए आती है तो वो चाहे ना चाहे उस टाइम पर जब आप शूट कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आ जाती है। इससे पहले भी कई दफ़ा व्लॉग में वो आई है, बट इस टाइम उनके यहाँ कोई काम वाली नहीं है। अब ज़रूर लगा दी जाएगी, जब डॉटर खाला आ गई हैं तो अब हो सकता है अम्मी के लिए हेल्प के लिए झाड़ू पोछे के लिए लगा दी जाए, अदरवाइज़ कोई गारंटी नहीं है कि शायद ये सारे काम भी उस लड़की को करने पड़े। तो ये सवाल जो है वहाँ पे भर भर के होते। अब आ जाते हैं इनकी नौटंकी पे। ये जो रोना धोना मचाए थे ना एक दिन पहले भी इमोशनल होके दिखा रही थी, रोना तो आता है ये तो आता है, मतलब इससे पहले जब फुदक फुदक के वहाँ पे जाती हूँ, एक बार पेपर साइन करने के लिए गई थी जब ज़मीन खरीदी थी दो दिन के लिए तीन दिन के लिए, एक दफ़ा और ऐसा मौका पड़ा था कि आप दो से तीन दिन के लिए गई थी, तब आपको पता होता है कि दो से तीन दिन में मैं लौट कर आ जाऊँगी। लेकिन इस बार आपको क्योंकि ईद वहाँ की करनी है और आपको ये भी पता है कि आपकी ननद आ रही है, और ये भी हम सबको पता है कि ननद की वजह से ही ये जो रिश्ते में इतना देरी हुई है क्योंकि उनकी तरफ से ना हो गई थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो हैं कि भाई आप उनसे कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड कम करें, या फिर एक तरीके से सीधी सरल भाषा में कहूँ कि बचें। कई बार ऐसा मौका आएगा कि जब हमारी जो चालू अप्पी हैं वो प्रॉपर तरीके से ससुराल का एक जो जो भी वो मतलब ईद का त्यौहार है वो उसको मनाएंगी, क्योंकि पहला त्यौहार मनाने के लिए वो अपने मायके आ गई थी, दूसरा बकरीद थी तो वो उन्होंने वहीं पे मनाया था। लेकिन मीठी ईद का जो भी रहता है कि रमज़ान रख रहे हो, रमज़ान के बाद आप जो है वहाँ पर ईद सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो आपको फर्स्ट टाइम ही मौका मिलेगा वहाँ पर। देखते हैं भाई इसमें भी आप कितना तीर मारते हो और कैसे कर कर दिखाते हो। दूसरी बात, कॉपी करने की इतनी आदत हो गई है, इतनी आदत हो गई है, अभी देख लेना अभी ये आ गई है मुदाहा। अब मुदाहा की जो सीरीज़ इनकी आएगी ना सारी व्लॉग्स की, उसमें डेफिनेटली एक ऐसा व्लॉग आएगा, लिखवा लो आप मेरे से कि ये कॉपी ना करें, सितारा यासीन की डेफिनेटली कॉपी करेंगी। क्यों मैं भी बताती हूँ, उन्होंने जैसे अपने यहाँ पर एक रोज़ा इफ्तार कराया ना, वैसे ही एक रोज़ा इफ्तार इनके यहाँ पर भी होने वाला है। कैसे होने वाला है, उसमें देखिए जितने भी इनके मामू से कॉन्टैक्ट है, आना जाना है ना, वो सारी फैमिली आ जाएगी, इनकी फुप्पियाँ आ जाएंगी, और फनी के जितने भी दोस्त यार हैं, उनकी अम्मी हैं, वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे, फनी के सारे दोस्त आ जाएंगे, और इनके अपने ससुराल वाले हो जाएंगे, और सबको मिला के ये वहाँ पे, क्योंकि ये वहाँ पे पैसा खर्च करती हैं और पैसा खर्च करके ये शान और शौकत ये सब दिखाती हैं कि देखो मैं कितनी पैसे वाली हूँ और मैं पैसों से ही सारे काम करती हूँ। तो डेफिनेटली एक रोज़ा इफ्तार पार्टी वहाँ पे भी ऐसे होने वाली है, या फिर सो कॉल्ड उसको ये कह सकते हैं कि रोज़ा इफ्तार पार्टी ना कहकर सो रोज़ा इफ्तार करा रहे हैं हम और रिश्तेदारों का, तो ये वो डेफिनेटली वहाँ होने वाला है, लिख कर ले लो। और फिर हमें सितारा यासिन की नकल भी तो करनी है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं उस टॉपिक पर जो हमने नहीं कवर किया था जानबूझकर, ये सबके कपड़े दिला कर लेकर आई, लेकिन भाई भाभी के कपड़े और रू बेबी के कपड़े नहीं लेकर आई थी। मेरा तो ये तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है पॉडकास्ट में, इसलिए मैंने उस टॉपिक पर बात ही नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ये जाने से पहले लास्ट टू लास्ट उसके कपड़े लेकर आएगी और कपड़े लाकर उसको देगी, लेकिन इस तरह से ऐसे देगी ये नहीं सोचा था। बिल्कुल ही बचकानी हरकत थी, बिल्कुल किसी भी एंगल से कुछ भी नहीं लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लग रहा था वो किसी भी एंगल से कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसने अपना पूरा दिमाग लगाया डेफिनेटली ये सोच करके, मैं इसको बिल्कुल एकदम नया करूँगी, नया अच्छे से क्रिएट करूँगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन वो मुझे वो सच में पर्सनली वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे मालूम था ये कपड़े लेकर आएगी। जब उन्होंने कहा था ना बस एक के बचे हैं, और मुझे भी मालूम था कि जब उसकी पहली ईदी हो रही है और ये जा रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुप्पी को वो कपड़े ना बनाए। और देखो भाई भाभी को अभी भी छोड़ दिया है, अब भाई भाभी जाने और वो उनका मैटर जाने। देखिए मुदाहा मंडली को तो अपने साथ ले ही आई है ये, अब ले देकर रह कौन गया है, अम्मी रह गई हैं, दोनों बच्चे रह गए हैं जो कि भाई भाभी की जिम्मेदारी है क्योंकि वो उनके लोकल गार्डियन हैं वहाँ पर, और उनके बेबी और उनके रह गए तो वो उनके वो खुद बनाएंगी, तो खुद तो अपना यहाँ पर आ गई हैं, अब इनकी जिम्मेदारी कहाँ की है, ससुराल की। तो अब ये ससुराल वाली बनकर दिखाएंगी जिसको आज तक ढंग से अपना नहीं पाई हैं, जिनका सहारा लेने के लिए वहाँ टिकने के लिए सहारा लेने के लिए अपने साथ सहारे लेकर आई हैं। क्यों, एक दिन फुदक कर जाएंगी खाला के घर और एक दिन फुदक कर जाएंगी नानी के घर। अम्मा लेकर तो गई हैं एक झोला और अम्मा लेकर आई हैं वहाँ से दो झोले भरे, बड़े बड़े भरकर। अब उसमें क्या लेकर आई हैं, क्या दिया है इन्होंने, वो तो भाई उनको पता और अम्मा को पता, लेकिन अम्मा के जैसे पोल पट्टी उनके
पोते ने ही खोली है, तो उससे तो हमें भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि एक्चुअली में ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये भर भर के सामान लेकर आई है, तो जैसे कि मैंने एक बार पहले भी बोला है, पॉडकास्ट में बोला है कि इतना दुनिया भर का कपड़ा है, ठीक है, उस दुनिया भर के कपड़े को आप इस तरह से ऐसे रख रहे हो, उसको सारे को अच्छे से समेटो, उनमें सब में अच्छे से आयरन कराओ, फिर उनको अच्छे से नई पिन्नी में पैक करो और उन सबको एक तरीके से ना किसी इसमें बुक करा दो सीधा भरतपुर के उस एनजीओ के लिए जिस एनजीओ में आप गए थे। वहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लोग लड़कियाँ हैं आपके साइज़ के, जिसमें कपड़े आ जाएंगे आपके पास। तो पुराने भी कपड़े हैं जो आप पतले थे, फिर उसके बाद के जब आप थोड़े और हेल्दी हो गए थे तब के थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई साइज़ अवेलेबल हैं, जो आपने इतना बड़ा जमावड़ा लगा रखा है मतलब कपड़े रखने के लिए, लिटरली आपने ये कहा कि मेरे उस वाले फ्लैट से भी आ गए हैं, इस वाले फ्लैट में भी हैं, अम्मी के भी फ्लैट में सम्मी ने निकाल के जो बाहर फेंक दिए हैं, और आपके मुदाहा में भी कपड़े भरे पड़े हैं। इतना कपड़ा है तो उसको सारे को दान करो, उसको सारे को निकालो। और रमज़ान से अच्छा क्या ही महीना होगा कि आप जो भी चीज़ें निकाल कर दे रहे हो उसका दुगना सवाब आपको मिलेगा। सामान इतना कर लिया है, इतना कर लिया है कि कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट टाइम मुंबई से मोदाहा गाड़ी आएगी, मतलब गाड़ी में भर के सामान भेजा है। तो जो घर का इनका हेल्पर है ना, अब मुझे लगता है कि उसको जॉब पे तो इन्होंने रखा है, अब वहाँ काम करे या यहाँ काम करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको ये यहाँ और कुछ दिन रोके, और ये भी हो सकता है कि शायद वापस जो है भेज दे। लेकिन उसके फ्लैट में वो करेंगी क्या, अब तो जो काम होना था वो तो सारा काम निपट गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये यहाँ पर रुकेंगे उसको ये यहीं रखेंगे। और वहाँ से ड्राइवर और वो दोनों जो इनके घर का हेल्पर है वो सामान लेकर निकला है, और वो जब ये पहुंची हैं स्टेशन पे तो उनसे पहले ही आ गए, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने निकाल दिया था। अब देखो कितना लंबा सफ़र वो ट्रैवलिंग करके, यानी कि गाड़ी ड्राइव कर लेकर आए हैं। सामान इतना था, इनमें इतनी अकल नहीं है कि सामान को बुक कराकर भी ट्रेन से भेजा जा सकता था, पर इतनी समझ होगी कैसे। गाड़ी में जितना दुनिया भर का इन्होंने डीजल पेट्रोल फूका है उससे कम में ही आपका जो सामान है वो वहाँ से यहाँ डिलीवर हो जाता, और स्टेशन पे आप अपनी कोई भी गाड़ी मंगाते या टैक्सी बुक करते और उसमें वो सामान जो है लदवा के अपने घर पर लाया जा सकता था। बट आपने अकल चलाई कि नहीं, आपको शानो शौकत दिखानी थी कि देखो मेरे पास दो दो गाड़ी हैं, एक गाड़ी मैंने यहाँ खरीदी है और एक गाड़ी मेरी देखो वहाँ से आई है। अब गाड़ी एक दो दिन आप अपने सामने भी यहाँ रखेंगे, अब इनका जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है ना उसमें भी आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिलेगी, और वो जो इनका हेल्पर है ना वो भी देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है एक या दो दिन बाद यहाँ से उनको रवाना कर दें। आपने देखा भर भर के सूट पहने हैं, एक या दो कोट सूट को छोड़ के जो इन्होंने अभी लास्ट लास्ट पहने हैं उसके अलावा तो सूट ही पहने हैं। लेकिन जैसे ही ये मोदाहा पहुंच जाएंगी इनके सारे कोट सूट पहनेंगी, ये सारी टी शर्टें निकाल लेंगी, ये सारे के सारे इस तरह के कपड़े निकालेंगी ट्राउज़र वाले, और सारे के सारे वही वाले कपड़े पहनेंगी, क्योंकि वो उन कपड़ों को ना ये संभाल संभाल के रखती हैं। इनको ये दिखाना होता है कि ओ हो मैं मुंबई वाली हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मैं वैसे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन एक देहले की नहीं लगती हैं। जितना अच्छा जो लगता है ना ससुराल में अच्छे तरीके से जो ये कपड़े पहनती हैं, सूट लेती हैं, दुपट्टे पहनती हैं, जितना अच्छा उसमें लगता है उस जिस तरह के ये कपड़े पहन के वहाँ पे घूमती है ना अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए, वो एक धेले का भी नहीं लगता। तो जो कुछ इस तरह के कपड़े पहनने हैं ना वो अपने यहाँ पे घर पे पहना करें, ससुराल में जाया करें तो अच्छे अच्छे सूट ले जाया करें, अच्छे अच्छे सूट पहना करें जैसे शादीशुदा लड़कियाँ पहनती हैं, जैसे शादीशुदा लड़कियाँ बेलेस जो भी कुछ लगाती हैं दुपट्टों पर उस तरह से लगा कर पहनती हैं, जिससे गेटअप भी आता है। और वैसे भी लेस एमलेस का तो आपको वैसे भी पूरे खानदान को ही बहुत ज़्यादा शौक है। तो भाई मुझे तो इंतज़ार रहेगा, ये जल्दी से जल्दी फटाफट से उसका कंटेंट कॉपी करें और वहाँ पर अपने यहाँ इफ्तार पार्टी रखें। और इफ्तार पार्टी में हमने बता ही दिया कि कौन कौन शामिल होने वाले हैं, और फिर वही वाली बात इनके सामने आ जाएगी कि हर महीने हम ये करते हैं तो हमने सोचा इस बार ये करा देते हैं। तो इफ्तार पार्टी के लिए तैयार हो जाइए हमारी डब्बा मैडम के व्लॉग देखने के लिए। उधर से भाभी जो है वो मिसिंग यू कर रहे हैं, कल भी उन्होंने मिसिंग यू का मतलब दो दिन उनको वहाँ से चले हुए हैं, दो दिन में वो डेली मिसिंग कर रही है, मतलब आज भी एक पिक्चर शेयर की है और उसके बाद भी लिखा है मिसिंग यू, और ये बदल के उन्होंने भी उसको जो है रीशेयर करके मिसिंग यू लिख दिया है। वाह भाई वाह, मतलब ये ऐसे कहानी सच हो गई है कि सामने जब होते हैं ना तो उसकी, जब कहते हैं ना जब इंसान होता है तब कदर होती नहीं है, और जब चले जाते हैं अब इनकी तो कोरी नौटंकी है ये कि वो मिसिंग कर रहे हैं मिसिंग कर रहे हैं, सामने तो तुम बुलाते नहीं, बातें तुम करते नहीं, आई कॉन्टेक्ट तुम्हारा होता नहीं है। पर
लोगों के और भी कुछ सवाल थे कि इस बार जनाब ने, क्या जनाब का मूड वाकई ख़राब है, क्या जनाब जो है पूरे अपने जो है कॉन्शियस माइंड में नहीं है जैसे एवरी टाइम रमज़ानों में रहते थे, या वो उस तरह के जो है एक्साइटेड नहीं है जिस तरह के एवरी टाइम रमज़ानों में रहते थे। तो इस बार ना तो रमज़ानों से पहले मुदाहा मंडली को जो है शॉपिंग कराई, ना अपनी मैडम को शॉपिंग कराई, ना अपनी सास को शॉपिंग कराई कि रमज़ानों से पहले जो सूट बनाए जाते थे ना वो सूट दिलाए हैं उनको जिससे कि वो रमज़ानों में पहनते हैं, और ना ही ईद की शॉपिंग के लिए अभी तक भी निकले। और कहने का मतलब यह है कि इतना शांत शांत सा जो माहौल है वो क्यों है। अच्छा, बार बार एक ही चीज़ को तो बोल रहे थे जो कि लाइव में भी बोल रहे थे कि अभी हम बिज़ी हैं। किसी ने सवाल भी पूछा था लाइव में कि वो आपने बताया नहीं कि वो क्या चीज़ है, सीक्रेट है जो क्या काम कर रहे हैं, तो कहते नहीं वो वक्त आने पर बताएंगे। तो भाई मैडम कोई काम करना चाह रही हैं, वो किसी भी काम से रिलेटेड हो सकता है, मे बी शायद वो क्लोथिंग का हो क्योंकि सूरत गई थी तो सूरत में कपड़े का बहुत ज़्यादा रहता है, तो मे बी ये कोई ब्रांड लॉन्च करने वाले हो किसी भी तरह का, जैसे पहले भी एक बार इन्होंने किया था और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो बस ये उसी के चक्कर में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ गई हैं कि व्लॉगिंग और व्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे तक नहीं चलने वाली हैं, या तो आपको जो है अच्छे कोई बड़े प्रोजेक्ट मिले और आप बिजी हो जाएं उन सारी चीज़ों में, या फिर कोई अपना ही कोई सेटअप या कोई इसी तरह का कोई बिजनेस डाल लिया जाए जिससे कि ये काम आगे बढ़े। बाकी तो जब बताएंगे, पर हमें जो लग रहा है वो ज़्यादातर परसेंट में यही लग रहा है कि मे बी ये शायद किसी कोई तरह का क्लोथिंग का काम कर रही हैं, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि गोटा पत्ती ड्रेस डिजाइनिंग इन सब का तो मैडम को कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। मैडम से याद आया, और मैडम तो 8-9 दिन से गायब हैं, मतलब फरा मैम आई हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, उनके आने का कोई सिंगल व्लॉग नहीं, उनके लिए क्या क्या बनाया था वो शूट नहीं किया, वो भी नहीं डाला, मतलब अब क्या एक एक महीने बाद डालेंगे क्या कंटेंट शूट किया हुआ, और अब ऐसा कौन से काम में बिजी हो रहे हो, ऐसे कोई न्यू बॉर्न बेबी भी नहीं है कि आपको जो है वो सारे दिन घेर कर रखता है, सारे टाइम तो वो अपनी नानी के पास रहता है, तो फिर क्या वजह है, अलस जोन में चले गए हो क्या फिर से। जनाब ने तो फिर भी एक व्लॉग डाल दिया था जिसमें 90% तो गाना ही गाना बज रहा था, बस वहाँ पे मोहम्मद अली रोड पर घूमने के लिए चले गए थे, क्योंकि वो भी एक इनका रिचुअल इन्होंने बना लिया है कि एवरी रमज़ानों में एक दिन वहाँ पे जाना ही जाना है, अपना सेलिब्रिटीहुड जो है वो इन्जॉय करना है, पब्लिक के सामने निकलना है, फिर वहाँ पे कुछ खा पी के आना है, कुछ वहाँ पे जो है सामान पैक करा के लेकर आना है। अच्छा देखिए, वहाँ से तो निकल गई, लेकिन हमारी चालू अपनी कितनी चालाक हैं, मैंने कहा था ना मिठाई का, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया, अब वहाँ पे खा ली हैं, छोड़ दी हैं, उसके बाद अम्मी खाएंगी या दोनों बच्चे खाएंगे, जबकि वो लड़की भी डाइट पर है, उसे भी मना किया है, तो फिर उस स्वीट का क्या किया उसके बारे में कुछ तो बताते, लेकिन नहीं, अब जो वहाँ से निकल गए हैं ट्रेन से यहाँ तक आ गए हैं, अपने घर तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक कब लोग आ गया है, लेकिन वो जो मिठाई लेकर आए थे फनी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। कसम से थोड़ा सा टाइम पास लेके टाइम प्लीज करके और कहा लिया होगा कि फिर से ऐसे कर लेंगे, और देखो भाई कैमरे के पीछे तो हम खा ही सकते हैं ना फ्रेंड्स, आप कैमरे के सामने ही तो देख सकते हो, लेकिन कैमरे के पीछे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लेने थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।